बिग बॉस के फिनाले में हुआ बहुत बड़ा एविक्शन, टॉप थ्री में नहीं आ पाए कौन से कंटेस्टेंट। हेलो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल और आप देख रहे हैं टेली रिपोर्टर। आज वो दिन आ गया है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। बिग बॉस OTT के सेकेंड सीजन का ग्रैंड फिनाले हो गया है। अब ऐसे में यहाँ पर टॉप फाइव कंटेस्टेंट पूजा भट्ट, मनीषा रानी, बेबिका धुर्वे, एल्विश यादव और फुकरा इंसान के बीच में फिनाले की रेस शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये पांचों ग्रैंड फिनाले के लास्ट सेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो ऐसे में यहाँ पे सबसे पहली जो एविक्ट होकर घर के बाहर हो गई है वो है फिल्म मेकर महेश भट्ट की बेटी एक्ट्रेस पूजा भट्ट। पूजा भट्ट अपने स्ट्रांग ओपिनियन और अपने डोमिनेटिंग नेचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। फैंस के साथ साथ घर वालों के बीच में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी अच्छी लोगों के दिल में जगह बनाई। वहीं सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा अटकलें लगाई जा रही थी कि टॉप फाइव में किसका सबसे पहले इस घर में सफ़र खत्म होगा। ज़्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि बेबिका धुर्वे सबसे पहले एविक्ट। लेकिन टॉप फाइव में जिस कंटेस्टेंट का सफ़र खत्म हो गया है इस ग्रैंड फिनाले में वो है पूजा भट्ट। जिस तरह से उनका एविक्शन हुआ है अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट होगा जो एविक्ट हो जाएगा, और फाइनल सेशन में टॉप थ्री ऐसे कौन से कंटेस्टेंट होंगे जो आपस में लड़ेंगे ट्रॉफी के लिए। पूजा भट्ट के एविक्शन पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, उनकी जर्नी आपको कैसी लगी है इस साल के सीजन में, हमें अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।